हेलो क्लास नाइन्थ वाले बच्चों, दिस इज डेट 13th of May 2021, लेक्चर नंबर 8, क्लास नाइन्थ फिजिक्स, चैप्टर मोशन। क्योंकि लेक्चर 8 है तो फिर से वही पुराना लेक्चर है। पहला सातों लेक्चर देख लो, उसके बाद लेक्चर नंबर 8 पर आओ। तो आज से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे। ये कई बच्चों को टफ लगता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्लास नाइन फिजिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले नंबर पर पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना वैसे तो हम लोग क्लास नाइन्थ मैथ्स में फिर से सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। बट छोटा मोटा ग्राफ प्लॉट करना 7th-8th में हम लोग मैथ्स में सीख कर आए हैं, उसका यूज फिजिक्स में हम लोग करने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में पहला नंबर ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम है मोशन दो तरह का है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कॉन्स्टेंट होता है। पहले का लेक्चर देखो, पहले कॉपी में नोट करो, उसके बाद लेक्चर नंबर 8 पर आओ। पहले नंबर पर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट। ये पहले भी मैंने बताया है कि टाइम और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। जीरो टाइम पर जीरो डिस्टेंस, फिर कुछ अपने से, जैसे जीरो से 2 सेकंड होते होते 10 मीटर, जीरो से 4 सेकंड होते होते 20 मीटर अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जीरो से 6 होते हुए 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमें स्पीड बराबर मालूम है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम तो 5 ही आया, डिस्टेंस बाय टाइम ये 5 ही आया, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड 5 ही आया। बराबर बराबर टाइम इंटरवल पर बॉडी बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे, इसी मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट होता है और यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग अभी प्लॉट करने वाले हैं। सिंपल मैथ्स का ग्राफ प्लॉटेशन का रूल्स का यूज करना है, हमने थोड़ा सा क्लास 7th और 8th में पढ़ा है। ग्राफ प्लॉट करेंगे, 0 पर 0 था, 2 सेकंड पर आते आते 10 मीटर हो गया, 4 सेकंड पर आते आते 20 मीटर हो गया, 6 सेकंड पर आते आते 30 मीटर हो गया। अगर इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन को प्लॉट करता हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन को प्लॉट करता हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन को प्लॉट करता हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन में, आज के बाद फिजिक्स और मैथ्स में हम लोग एक नया वर्ड सीखेंगे, उस नए वर्ड को हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप इंग्लिश का वर्ड है। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान होता है। स्लोप का मतलब ढलान। इस चैप्टर से कोई रिलेटेड मतलब बात तो है ही, स्लोप इंग्लिश का वर्ड है, स्लोप का मतलब ढलान। ये एक लाइन है तो इसका ढलान, ये ढला हुआ है ना, ये जो लाइन है ये ढलान है। ये बोलने में तो अच्छा लग रहा है, बट इस ढलान को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 9th में अलग मेथड आएगा, 10th में अलग मेथड आएगा, 11th में अलग, 12th में अलग, बट मोटा मोटी स्लोप का मतलब ढलान। कभी भी किसी लाइन का ढलान निकालना है तो उसका हम लोग, ये वाई हुआ, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, और ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये वाई बाई एक्स को डिवाइड करेंगे तो स्लोप का वैल्यू आएगा। इस चैप्टर से कोई मीनिंग नहीं है, कभी भी किसी लाइन का, कभी भी कोई लाइन है, कभी भी कोई लाइन है, कभी भी कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसका स्लोप अगर निकालना पड़े, इस लाइन का अगर स्लोप निकालना पड़े, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़े तो क्या करोगे? इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये यहां से यहां तक जो इसका वाई की वैल्यू है, वाई मतलब ये वाई एक्सिस सीधा वाला, और यहां से यहां तक जो इसका एक्स का वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तब स्लोप आएगा। स्लोप हमेशा वाई बाई एक्स से आता है। स्ट्रेट लाइन का फिजिक्स में मोशन चैप्टर में काम पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनाए यूनिफॉर्म मोशन का, वो स्ट्रेट लाइन आ गया। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा स्लोप निकालने के लिए वाई बाई एक्स,
तो इसमें किसी भी पॉइंट पर मान लो यहां से यहां तक ये लाइन है, इसका स्लोप निकालना है। इसके वाई पर देखो कौन था, इसके वाई पर था 20, ये था ना वैल्यू, और एक्स पर देखो कौन था 4, तो इसका वाई बाई एक्स कितना हो गया 20 बाई 4 जो कितना हो गया 5, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही इसका स्पीड था। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, क्या समझे, इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर कहीं पर भी तुम स्लोप निकालो y by x से, डिस्टेंस by टाइम से, तो स्पीड ही आएगा। इस चीज को हम लोग जब तक पढ़ाई करेंगे, बार बार ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, नाइन्थ क्लास में जो आप लोग पढ़ रहे हैं मोशन से लेकर के साउंड तक, वो जब तक साइंस पढ़ोगे तब तक याद रखना है। स्लोप का मतलब ढलान है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप हमेशा किसकी वैल्यू दे जाएगा, इट विल ऑलवेज गिव अस द वैल्यू ऑफ स्पीड, वो स्पीड का वैल्यू देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट स्पीड का वैल्यू देगा। वो तुम किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हो, यहां से यहां तक ही मान लो देखना है, इसका वाई पर कौन है, इसका वाई पर है 10, और इसके एक्स पर कौन है यहां से आगे 2, इसका स्लोप निकालोगे तो 10 बाई 2 की वैल्यू फिर 5। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पहला तो ये याद करना है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कॉन्स्टेंट होता है ये याद करना है, और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करने के बाद, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन प्लॉट करने के बाद उसका स्लोप निकालेंगे, तो वो जो स्पीड है, जो कॉन्स्टेंट स्पीड है, लगातार उसका वैल्यू आते रहेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के यूनिफॉर्म मोशन में हमें इतना पढ़ना है। तो B पर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमें पता है स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं, स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं का मतलब क्या हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम की वैल्यू तो बढ़ेगी 0 से 2 और 4 फिर 6 फिर 8, बट डिस्टेंस अलग अलग होगा, कभी 4 मीटर हुआ तो कभी 6 मीटर हो गया, तो कभी फिर 7 मीटर हो गया, फिर कभी 12 मीटर हो गया। बोलने का मतलब यह है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, तभी तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। बराबर बराबर टाइम है बट डिस्टेंस अलग अलग रहेगा, डिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो स्पीड की वैल्यू आगे पीछे आएगी। आगे पीछे आने का मतलब जब इसका ग्राफ हम लोग पीछे खींचेंगे, इसका ग्राफ ये कर्वी लीनियर कर्व वाला ग्राफ आएगा, ये कर्व बनेगा, ये नॉट अ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो क्या समझे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो क्योंकि उसका कर्व ही सीधा नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड स्लोप का क्वेश्चन आपके क्लास में नहीं पूछा जाएगा, वो हम लोग स्टार्टिंग से क्लास 11 में पढ़ेंगे। बट याद जरूर रखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचेंगे तो नॉन स्ट्रेट लाइन कर्वी लीनियर ग्राफ आएगा। स्लोप निकालने से स्पीड ही निकलेगा, बट मैथ्स में हमें स्लोप निकालना सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही सिखाया जाएगा 9th-10th में। इसका मतलब है कि जो स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका भी स्लोप अगर तुम निकालोगे तो आएगा स्पीड ही, बट इसका स्लोप निकालोगे कैसे, ये तो आड़ा तिरछा लाइन है ना, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आएगा तो स्पीड ही, बट स्लोप का जो क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो यूनिफॉर्म मोशन का पूछा जाएगा, क्योंकि स्लोप का मतलब ढलान है। स्ट्रेट लाइन का ढलान तो हम लोग निकाल पाएंगे, इस कर्व का ढलान 9th-10th क्लास में हम लोग नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए आप लोग याद करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कॉन्स्टेंट, और अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो स्पीड नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको फटाफट नोट करके रखो। ठीक है, फाइनल समरी इसमें कि कोई अगर आपसे पूछ ले किसी भी कीमत पर तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा,
will give us the value of speed. Slope निकालेंगे तो आएगा speed ही, वो अलग बात है कि स्लोप अभी 9/10 में हमें एक ही तरीके से मालूम है y by x, और वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का आता है। इस कर्व लाइन का y by x करोगे तो वो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है जो भी न्यूमेरिकल रिलेटेड बातें होंगी ग्राफिकल मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो केवल यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड नहीं होगा। उसी तरह से अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें याद हो गया तो अब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें याद हो गया तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड वेलोसिटी सेम होता है, इसको आप स्पीड टाइम ग्राफ समझ लो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लो, जो भी तुम्हें अभी फिलहाल ठीक लगे। सिलेबस के हिसाब से दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट, ये वेलोसिटी है या फिर स्पीड और टाइम, तो ये कॉन्स्टेंट है मतलब ये वैल्यू सेम रह जाएगा। अभी आप लोग देखे थे 2 सेकंड पर भी 5, 4 सेकंड पर भी 5, 6 सेकंड पर भी 5, 8 सेकंड पर भी 5, 10 सेकंड पर भी 5, इसका मतलब है ये ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपको सिखाया गया है यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा। और अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब है कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड बराबर नहीं का मतलब या तो स्पीड बढ़ रहा है या फिर स्पीड घट रहा है, बढ़ता और घटता हुआ स्पीड पर ही वर्ड आता है एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और ये एक्सेलरेटेड मोशन भी हमारा 2 तरीके का होता है। ये एक्सेलरेटेड मोशन भी हमारा 2 तरह का, इस एक्सेलरेटेड मोशन में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका, इस पर न्यूमेरिकल भी बन चुका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट। अब ये एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये भी 2 तरह का, इसमें पहला अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो मतलब स्पीड बढ़ रहा हो, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, बराबर, तभी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अंतर क्या होगा कि टाइम 0 पर डिस्टेंस हमेशा 0 होगा, ये तो कंपलसरी है, बट टाइम 0 पर वेलोसिटी हमेशा 0 हो इसका कोई गारंटी नहीं है। शुरुआत का ही वेलोसिटी 4, 5, 6 भी हो सकता है, तो ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। और किसी क्वेश्चन में जैसे न्यूमेरिकल जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं लेक्चर 7 में देखे थे, हर क्वेश्चन में यू का वैल्यू 0 था क्या? नहीं था। तो यू अगर 0 होगा तो ये ग्राफ यहां से बनेगा, यू अगर 5, 7 होगा तो ये ग्राफ यहां से भी बन सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर यू 0 नहीं है तो ऐसा, और अगर यू 0 है तो ऐसा। फिलहाल कॉपी में ऐसा बना करके रखेंगे, ये पॉजिटिव में यूनिफॉर्म और इसी में 2 है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का घटना, ब्रेक लगना, इसी को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, पहले भी लिखा जा चुका है रिटार्डेशन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप लोग समझ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बट स्पीड घट रहा है टाइम के साथ, घटता हुआ ग्राफ बनाना तो पहले ही 10-20 पर था और ये घटता हुआ ग्राफ हो गया। तो ये यूनिफॉर्म में भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ऐसा और निगेटिव एक्सेलरेशन कैसा बनेगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्या क्या सीख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो देख लिए, स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे थे,
स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं का मतलब ही होता है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, ये दो तरह का होता है, या तो स्पीड बढ़ रहा है या फिर टाइम के साथ बराबर बराबर घट रहा है। तो पॉजिटिव वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा स्ट्रेट लाइन, और निगेटिव वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा ऊपर से नीचे आते हुआ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसमें भी दूसरे नंबर जिसको कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही जिस तरह का चीज देखे थे, एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म हो ये तो जरूरी नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है। और ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि क्योंकि इसका ग्राफ अभी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला है, तो इसका कोई भी न्यूमेरिकल्स ग्राफ प्रूफिंग थ्योरी एनसीईआरटी एचसी वर्मा आपके क्लास में नहीं मिलेगा, बट ग्राफ पूछा जा सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम लोग वेलोसिटी टाइप ग्राफ बनाए तो कई तरीके का बन सकता है, बट इतना श्योर है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ऐसे हो सकता है ऊपर से नीचे हो सकता है, डिस्टेंस वाले में तो श्योर था कि ऊपर ही जाएगा क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ता ही है, बट ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जरूरी नहीं है बढ़े, ये घट भी सकता है। ये ग्राफ सिर्फ ऐसा ही कर लीनियर नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है इधर, फिर ऐसे। बोलने का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जब ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं होने के वजह से इस पर रिलेटेड किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये वाला आप लोग लिख रहे ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन में, ये ग्राफ तब बनेगा जब यू जीरो होगा, अगर यू जीरो नहीं होगा तो यही वाला ग्राफ फिर ऐसा बनेगा जिसमें कि यू का वैल्यू नॉट जीरो होगा, है ना। तो तुम लोग दो ग्राफ बनाओ, U0 पर ये वाला बनेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन पर बना लो, ठीक है, और फिर इसी में U नॉट इक्वल टू जीरो का अगर बात हो जाए, U की वैल्यू जीरो नहीं है बट यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन है, तो उसका ग्राफ यहां से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इसको जरूर से मतलब इस पर भी दो ग्राफ मैं तोड़ करके बना ही देता हूं, छोटा छोटा हो जाएगा बट बना लेना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी दो तरह का, एक में U0, इसका जो u0 का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, और u नॉट इक्वल टू जीरो, u जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में जीरो ही हो, इसका अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसके समरी का बात करते हैं, बाकी इसके समरी के बारे में बात करें, ग्राफ तो इतना ही था, ग्राफ हो गया। अब अगर समरी के बारे में बात करेंगे, समरी को याद रखोगे तो कल पूरा का पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा, नहीं याद करोगे तो रोते रहना। तो ग्राफ तो बना ही दिया गया, इसमें दो चीज हम लोग याद करेंगे, एरिया अंडर, इसमें नोट बना करके हम लोग याद करेंगे, एरिया कभी भी निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एरिया अंडर वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम, टाइम के साथ एरिया निकालोगे, मतलब जैसे ये लाइन है इसका टाइम के साथ एरिया निकालना है, एरिया ये एरिया हो जाएगा, दिस इज नोन एज एरिया, ये वेलोसिटी है टाइम के साथ ये एरिया, स्लोप नहीं एरिया, अगर एरिया निकालना पड़ जाए, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस विल गिव अस The value of distance displacement, इसको याद करना होगा। Velocity time graph का अगर area निकाला जाए तो वो distance displacement की value देगा, area अगर निकाला जाए तो। ठीक है, area under velocity time graph time के साथ, ऐसे graph बना जैसा भी graph बना, time के साथ अगर area निकालते हो तो वो distance displacement का value देगा, और दूसरा अगर slope निकाला जाए, slope of वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप का मतलब अभी मैं पहले बता दिया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप से स्पीड, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इसको आप लोग को याद करना है, सारा जो ग्राफ बताया गया उसको भी याद करना है, और स्लोप निकालने से क्या निकलेगा, एरिया निकालने से क्या निकलेगा वो आपको बिल्कुल
मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर ये सब याद रहा, पूरा ग्राफ अगर याद रहा, तो कल हम लोग ग्राफ पर बहुत आगे निकल जाएंगे। इतना आप लोग याद करेंगे। आज के क्लास में समरी में क्या सीखे, ग्राफिकली भी प्रेजेंटेशन करने गए। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरीके का, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्वीलिनियर मोशन, कर्व जैसा बनेगा। स्लोप निकालोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो हमेशा स्पीड ही आएगा। स्लोप का मतलब फिलहाल 9th 10th में वाई बाई एक्स, फिलहाल 9th क्लास में स्लोप सिर्फ स्ट्रेट लाइन का निकलेगा। और क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट नहीं था तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेट वाला जो ग्राफ था उसका स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बट पहले याद रखना पड़ेगा कि स्लोप निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वाई बाई एक्स है तो वो स्पीड का वैल्यू देगा। उसी तरह से हम लोग आगे आ गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो तरीके का था, एक यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो वो ऐसा एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल ग्राफ गया। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड बराबर नहीं। स्पीड बराबर नहीं का मतलब या तो स्पीड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है टाइम के साथ, इसी को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो एक्सेलरेटेड मोशन दो तरीके का होगा, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दो तरीके का होगा, या तो बढ़ता हुआ स्पीड या फिर घटता हुआ स्पीड। तो ये ग्राफ आप लोग याद करेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरह का ग्राफ क्योंकि बनाया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल ग्राफ आपसे क्लास 9th में पूछा नहीं जाएगा। बट हाँ, कोई पूछे कि स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं तो आंसर होगा कि नहीं बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा। टाइम के साथ एरिया निकालना है, कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, वो मैं कल बताऊंगा, अभी बस याद कर लेना है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब ढलान अगर निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन का वैल्यू दे जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप से स्पीड, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब ढलान, 9th 10th क्लास में ढलान का मतलब वाई बाई एक्स। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, नंबर मेरा लिख करके रखो। इसी नंबर पर आपको ऑनलाइन जो फी पेमेंट है, जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर जुड़े हुए उन लोगों को करना है, प्लस कोई भी डाउट, कोई भी होमवर्क, कोई भी असाइनमेंट इसी नंबर पर मिलना है। घर पर रहेंगे सब लोग, सेफ रहेंगे, अभी हम लोग बाहर नहीं आएंगे, थोड़ा सेफ्टी बरतेंगे। कोविड को कंट्रोल करने में हम लोग घर पर रह करके सारा सिलेबस कवर करेंगे और सारा होमवर्क असाइनमेंट करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना नोट्स कवर करो। तब तक के लिए थैंक यू।